चुनाव में एक नारा बहुत चर्चा में रहा, वो था आगे राम बाद में वाम। इसका प्रभाव भी मतदाताओं पर पड़ा और वाम मोर्चा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में भाजपा काफी हद तक सफल भी रही। परिणाम स्वरूप ये पार्टी पिछले आम चुनाव में बंगाल में 2 से बढ़कर 18 सीटों तक पहुंच गई। भाजपा इस बार के आम चुनाव में 35 सीटों का लक्ष्य देकर चल रही है। राज्य की जनता किसका कितना साथ देती है ये तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वामो इस बार कांग्रेस के साथ समझौता कर प्रतिष्ठा बचाने की जुगत में है। दरअसल वर्ष 2014 के आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर दार्जिलिंग से सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया एवं आसनसोल से बाबुल सुप्रियो संसद पहुंचे थे। वर्ष 2019 के चुनाव में मोदी लहर में सीटों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई। इसकी मुख्य वजह माकपा का वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आ गया था। भाजपा इस बार मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचा रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, इसमें तृणमूल कांग्रेस राज्य की 34 सीटों पर विजयी हुई। माकपा एवं भाजपा को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 4 सीट जीतने में कामयाब रही। वर्ष 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने बढ़त बनाई, लेकिन वाम मोर्चा को कोई सीट नहीं मिली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रही है और श्रमिकों की भी बात कर रही है। केंद्र सरकार की नीतियों को श्रमिक विरोधी बता कारखानों के निजीकरण के मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस समर्थित माकपा के वृद्धमान दुर्गपुर संसदीय सीट के प्रत्याशी प्रोफेसर सुकीर्ति घोषाल कहते हैं कि 5 साल पहले आगे राम बाद में वाम नारा चला, लोगों को विश्वास हुआ कि तृणमूल का विकल्प भाजपा बन सकती है, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर राज्य में धांधली से जनता काफी त्रस्त है। इधर युवा व श्रमिकों के अलावा भाजपा का फोकस महिलाओं पर भी है। भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र गोरुई कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में देश का सर्वगीण विकास किया है, जनता इस बार भी भाजपा के साथ ही रहेगी।